सर सर एसपी साहब आए हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनो मिनिस्टर के भाई के केस को कल कोर्ट में पेश करना है। यस सर। सब रेडी है ना? वो केस अर्चना डील कर रही है सर। अच्छा अर्चना कहाँ है? शायद अभी आई नहीं सर। शायद मतलब? अभी आ जाएगी सर। टाइम 12 बज रहे हैं, लेट परमिशन के लिए अप्लाई किया क्या? नहीं सर। परमिशन के बिना लेट आने का मतलब? एक्शन लूंगा सर। आज की खास खबरें क्या है? तुमने मुझे खबरें और हेडलाइन सुनाने वाला कोई दूरदर्शन का रिपोर्टर समझ रखा है क्या? अरे तुम्हें क्या हो गया? How dare you? सबॉर्डिनेट होकर विश किए बिना मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई? नाटक बंद करके जरा फैन ऑन करो, बहुत गर्मी है। Shut up and get up. अब टाइम क्या हुआ है? हाथ में घड़ी है ना? मैंने टाइम जानने के लिए तुमसे टाइम नहीं पूछा। इतना लेट क्यों आई हो तुम? तुम नहीं जानते? पत्नी की तरह रोब क्या जमा रही हो? इस वक्त मैं तुमसे एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इतना लेट क्यों आई हो तुम? जवाब दूँ? देना पड़ेगा। सुनिए, मेरे पति को 24 घंटे उसी का भूत सवार रहता है। 5 बजे उठ के घर का और रसोई का काम करके तैयार होके ऑफिस जाने के लिए ड्रेस चेंज कर रही थी, तो पीछे से ठीक वक्त पे उसने मुझे। बस कर, चुप हो जाओ। पति को खुश करना है तो काम से छुट्टी लेके क्या करो, ऐसे ड्यूटी के वक्त नहीं, ये लास्ट और फर्स्ट वार्निंग है, जाओ काम करो। ओके सर। ओके सर, आप यहाँ होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। ओके ओके कैरी ऑन। डैडी? हाँ। आपकी बहू का मूड कैसा है? वेरी बैड बेटे। डार्लिंग? बोलो डार्लिंग। मुझे प्यास लगी, जरा पानी दे देना। खुद लेके पी लो। अर्चना? हाँ। जरा गर्मा गर्म कड़क चाय देना। खुद बना लो। छोड़ो यार, खाने का वक्त हो गया है ना, क्या बनाया? जो बनाना था बनाया, खाया, बचा खुचा काम वाली ले गई। आहा, पतिव्रता हो तो ऐसी हो। आज मुझे भूख नहीं लगेगी, पहले से कैसे जान गई तुम? बीवी है, मजाक। मस्का मत लगा। तुम्हें मस्का लगाने की मुझे क्या जरूरत है डार्लिंग? दूसरी बीवी होती तो मैं लगा। दूसरी बीवी भी है? जी 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 जी, दूसरे की बीवी के बदले दूसरी बीवी कह दिया। डार्लिंग गुस्से में हो? नहीं, गर्म हूँ। तो ठंडा कर देता हूँ। छुओ मत मुझे। क्यों, सुबह एसपी साहब के सामने रोब जमा रहे थे ना, मुझे बता सकते थे कि वो है, उनके लिए आप सिंसियर हैं और मैं बेवकूफ। यानी कानून और धर्म की जंग? ये क्या डालें, नीचे क्यों सो गई? कानून और धर्म की हिफाजत करनी है ना, आप सीआई साहब हैं, मैं एसआई हूँ, आप ऊपर होंगे मैं नीचे। अरे नहीं 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 नहीं, ये डायलॉग तो बाहर वालों के लिए है, अपनों से बढ़ के थोड़ी है नौकरी की जिम्मेदारी, ये डायलॉग घर में बोलते हैं क्या? बातों से हेरा फेरी करके काम निपटा लेते हैं, आपसे गालियाँ खाने की मुझे क्या पड़ी है? रोती क्यों डार्लिंग, क्या हो गया? मैं क्यों रोऊंगी, देखते रहना, कल ही मैं उस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी, जिन्हें रोना है खुद रोएंगे। बीवी को जब गुस्सा आता है ना, तभी पति का मूड आता है डार्लिंग। मुझे कोई मूड नहीं आया, छोड़ो। अरे मुझे आ गया, तुम्हें भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। अर्चना सर, आज उस मिनिस्टर के भाई के केस का फाइनल हियरिंग होगा, एविडेंस एकदम पक्का है ना? नहीं तो अपने भाई को छुड़वाने के लिए वो मिनिस्टर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके केस को उल्टा पुल्टा कर देगा। नहीं सर, सब कुछ पक्का है, जिंदगी भर की सजा मिलेगी। गुड लक, इसे साथ ले जाओ। अरे आप इसे यहाँ क्यों ले आए हैं? डैडी घर पे नहीं है, मुझे जरूरी काम से जाना था और ये रो रहा था, समझ में नहीं आया क्या करूँ। मुझे कोर्ट जाना है। ठीक है लाइए। नहीं बेटे नहीं, एसपी साहब अंदर है। ओके। हेलो, यस, नो 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 नो। लगता है किसी ने बम रख के पुलिस गन को उड़ा दिया। उसमें जो लोग थे बेचारे जल के राख हो गए, कोई नहीं बचा। Thank you.
उससे बिछड़े तुम्हें 2 साल हो गए, और कब तक लाश की तरह जियोगे? तुझे देख के दिल पिघला जा रहा है, तुम्हें फिर से पुराना विशाल बनके दूसरी शादी करनी होगी। डैडी। हाँ बेटे। दूसरी शादी करके मैं अर्चना को धोखा नहीं दूंगा। खाना पीना छोड़ के ऐसे दुखी होकर पागल बनके हमें दुखी करोगे? हम तुम्हें अर्चना को भूलने के लिए नहीं कह रहे हैं, उससे बिछड़ने के दुख को भूल जाओ। मेरी बेटी तो चली गई, कम से कम तुम तो सुखी रहो। अर्चना का पति बनकर ही जीऊंगा माँ जी, और किसी का पति बन के नहीं। तुम्हारे लिए अर्चना ही नहीं, जीता जागता पिता भी है बेटा। मैं भी एक पत्नी का पति था, पत्नी के बगैर जिंदगी कितनी दुख भरी होती है मैं जानता हूँ। तुम्हारी माँ को भुला ना सका, आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन बिन माँ के बच्चे को अनाथ बनाकर जाना नहीं चाहा, इसलिए जी रहा हूँ। उसे भुलाने के लिए शराब की आदत डाली। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, इस वंश को खत्म नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए, इस घर के लिए एक औरत की जरूरत है। स्वर्गवासी अर्चना से जितना प्रेम है, उतना अगर सजाड़ी से है तो शादी कर लो, नहीं तो बोलो किसी रेल के नीचे गिर के मर जाऊंगा। मान जाओ बेटे। अपने लिए ना सही, हम सबके लिए शादी कर लीजिए। आप अगर शादी कर लेंगे तो अर्चना मैडम की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रामचरण, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस शुभ अवसर पर जम के पिएंगे। नहीं, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। सुपर। सुनो, आज से तुम्हारी ड्यूटी दामाद के साथ नहीं, तुम हमारे साथ रहोगे। चलो लड़की ढूंढते हैं। ऐसा है तो बढ़िया पोज वाला सबका एक फोटो निकालो, दुल्हन को दिखाएंगे। देखने में तो स्मार्ट है। अरे ओरिजिनल फिगर देखोगी तो और भी खुश हो जाओगी, एकदम स्मार्ट है। सिर्फ देखने में स्मार्ट नहीं, शादी के लिए भी फिट होना चाहिए, मेरे आदर्श और प्रिंसिपल्स के मुताबिक होना चाहिए। यानी? मेरे होने वाले पति श्री राम जैसे होने चाहिए। यानी मुकुट पहन के धनुष तोड़ते हुए क्या? शट अप, एकदम हट्टे कट्टे होने चाहिए। लड़के के पिता फॉरेन की नहीं इंडियन लड़की चाहते हैं। उसका दिल इंडियन है, इसलिए हम चाहते हैं कि इंडियन लड़की ही मिले, ताकि औलाद भी इंडियन पैदा हो। दहेज में एक पैसा नहीं देंगे। अरे वो पैदाइशी रईस है। लेकिन मेरे बेटे की पहले एक शादी हो चुकी है। नहीं बेटी, नहीं, यही पहली शादी। इससे पहले कई रिश्ते आए थे लेकिन ना कह दिया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, लड़की पसंद नहीं आई, तुम्हारी फोटो देख के इम्प्रेस हो गया था। तुम्हें अगर वो ओके हो तो मुझे ओके। ये क्या, लड़के की दूसरी शादी ये क्यों नहीं बताया? बताता तो नहीं मानती, इसलिए झूठ बोलकर। मेरी बेटी के प्रिंसिपल्स को देखकर कोई तैयार नहीं हो रहा है, बाय चांस आपका रिश्ता आया। ठीक है, लेकिन मांग में सिंदूर भर के सुहागरात हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यानी धोखे से शादी करोगे? इसमें धोखा कैसा, मेरी बेटी को ना पहली बीवी के बच्चों को पालना है और ना ही पति को बांटना है। लेकिन सुनिए, लड़की बहुत फास्ट है, एक शादी में देखा था, बाद में कुछ गड़बड़ कर दी तो? गड़बड़ होगी तो मेरी बेटी के साथ ही ना। अरे जब इन्हें एतराज नहीं तो हमें क्या? आप ना कहेंगे तो उसकी शादी नहीं होगी, मान जाइए ना। ठीक है, आपकी मर्जी। मेरी मर्जी छोड़िए, लड़की को सब कुछ बता दिया ना? सब कुछ यानी बस आपकी शादी का ना? शादी की ही नहीं, अपनी पूरी फैमिली के बारे में बता दिया। हाँ, बता दिया। क्या कहा उसने? बहुत दुखी हुई। हाँ बेटे, तुम ही से शादी करना चाहती है वो? तुम भी हाँ कर दो तो। ठीक है, आप लोगों की जैसी मर्जी। ये क्या, उस लड़की से तो सच्चाई छुपाई पर साफ से झूठ क्यों बोला? नहीं बोलेंगे तो शादी हरगिज नहीं करेगा। अरे बाद में पता चला तो? लड़की के बाप ने बोला ना, लड़की के मांग में सिंदूर भरने के बाद जब सुहाग रात हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। चुपचाप शादी करवा के फौरन हनीमून भेज देंगे। आइए बैठिए। रामचरण बहस क्यों करते हो, कुछ देकर भेज दो उसे। बाबूजी, माँ, रामचरण, अर्चना, तुम मरी नहीं बाबूजी, मैं जिंदा हूँ, उनके प्रेम ने मुझे जिंदा रखा।
बच्चा आपका पोता। बेटा बेटा आजा आजा बेटा आजा आजा। इतने दिन कहाँ थी तुम बेटी, कहाँ खो गई थी? वो सब बातें बाद में बताऊंगी। वो कहाँ है? अंदर है? नहीं मैडम। क्यों ऑफिस गए हैं? ड्यूटी पर गए हैं? हाँ हाँ ड्यूटी पर गए हैं। कौन से होटल में ठहरे हैं? ताज रेसिडेंसी। अंदर चलो बताती हूँ। नहीं माँ, पहले उन्हें देखना चाहती हूँ। इसी वक्त सब्र करो बेटी, दो तीन दिन में आ जाएगा वो। दो साल उन्हें देखे बिना लाश की तरह जीती रही, अब दो पल भी सब्र नहीं कर सकती बाबूजी। सुनो बेटी। अर्चना बेटी बात तो सुनो। अब क्या होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा। विशाल की फिर से शादी की इसके लिए दुखी हूँ, क्या बेटी जिंदा वापस आ गई उसकी खुशी मनाऊं, क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये टेंशन नहीं सह सकता, इसलिए फिर से पीना शुरू कर दूंगा। रामचरण साहब को फोन कर दो, बता दो अर्चना वापस आ गई और उसे दूसरी शादी की बात ना बताए। हेलो पूना से माणिक चंद बात कर रहा हूँ जी, ऊटी से एक टन तंबाकू का पत्ता मंगाया, क्या हुआ आप तक आए नहीं? ए, रॉन्ग नंबर। क्या हुआ, अभी तक तो एकदम एक्टिव थी, अचानक शर्माने क्यों लगी? औरत शादी में सर झुका के शर्माती है और सुहाग रात को तन झुका के शर्माती है। अच्छा हेलो सेंड वन लार्ज व्हिस्की विद सोडा। ए दिस इज नॉट रूम सर्विस। गुड इवनिंग सर, मे आई हेल्प यू? वी आर बिजी, डू नॉट गिव एनी फोन कॉल्स टिल मॉर्निंग। ओके ओके सर, आई विल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द ऑपरेटर। हैव अ नाइस स्लीप सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। हाँ ओके। हेलो कौन सर? मिस्टर विशाल जो आपके होटल में ठहरे हैं उन्हें कनेक्शन देंगे? सॉरी सर, उन्होंने सुबह तक डिस्टर्ब नहीं करने को कहा है। मेरा फोन एक्सपेक्ट नहीं किया होगा? नो सर, वी आर वेरी सॉरी। अर्जेंट है समझो, वरना तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इट्स ओके, बट वी कैन नॉट डिस्टर्ब द हनीमून कपल। बाय। हेलो हेलो हेलो, गड़बड़, अब इन बीवियों की जंग को कैसे रोके? फ्लाइट पकड़ के चला जाओ तो। डार्लिंग संगमरमर की मूर्ति लग रही हो तुम, नशा चढ़ रहा है तुम्हें देख के। लाइट ऑफ प्लीज। रोशनी आ रही है, पर्दे भी बंद कर दीजिए ना। ओके